परेशान हो, इंटरनेट नहीं चल रहा, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख ली फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा, तो अभी आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका इंटरनेट 100% प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाएगा। इस वीडियो में आपको एक बेस्ट एपीएन सेटिंग के बारे में बताया गया, अगर आप उस एपीएन सेटिंग को अपने मोबाइल में कर लेते हो तो आपका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। एपीएन सेटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे एक सेटिंग और करनी होगी। इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको डाटा रोमिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डाटा रोमिंग पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे ऑलवेज पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पे डाटा रोमिंग के लिए सेटिंग ऑलवेज पर सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे, यहाँ पर आप जिस सिम में इंटरनेट यूज़ करती हो आपको उस सिम पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट सिम में इंटरनेट यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सिम पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम, आपके मोबाइल में यहाँ पे एपीएन के नाम से भी ये सेटिंग हो सकती है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिसेट पर क्लिक करके सभी एपीएन को यहाँ पे रिसेट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे न्यू एपीएन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में यहाँ पे केवल प्लस का आइकन भी हो सकते हैं, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे न्यू एपीएन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम पर क्लिक करना है। तो अभी जो मैं आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ इस सेटिंग को आप ध्यान से कीजिएगा। अगर आप इस सेटिंग को गलत तरीके से कर देते हो तो आपका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। आप जो भी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाम आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे अपने मोबाइल में एयरटेल की सिम यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एयरटेल नाम लिख देना है। एयरटेल का फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पे कैपिटल लिखना होगा। अगर आप वोडाफोन सिम यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लेटर वोडाफोन का कैपिटल रखना होगा, बाकी सभी लेटर यहाँ पे आपको स्मॉल रख देने हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एपीएन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको 3 बार www टाइप कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पर आपको अपनी सिम का नाम लिख देना है। फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पे कैपिटल रख देना है, बाकी सभी लेटर आप यहाँ पे स्मॉल रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं किस तरीके से यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉम नहीं लिखना है। कई यूजर क्या करते हैं कि यहाँ पे www.vodafone.com लगा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कॉम नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे इंटरनेट लिखना है। इंटरनेट का सबसे पहला लेटर आपको यहाँ पे कैपिटल लिख देना है, तो मैं यहाँ पे आई को कैपिटल लिख देता हूँ। इसके बाद आपको सभी लेटर यहाँ पे स्मॉल लिख देने हैं। तो देख सकते हो आपको यहाँ पे सेम इसी तरह से इस एपीएन को यहाँ पे फिल करना है। वोडाफोन की जगह पर आपको अपनी सिम का नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर या इनमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको MCC, MNC इनको भी आपको चेंज नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन टाइप पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको PAP और CHAPE इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे APN टाइप पर क्लिक करेंगे, लेटर में डिफ़ॉल्ट लिख देना है। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे SUPL। इसके बाद आप यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में यहाँ पे ऑप्शन भी हो सकते हो, तो आपको यहाँ पे इन ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे APN प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे IPv4/IPv6 इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और ऐसे ही आपको यहाँ पे APN रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करना है, और आपको सेम यही सेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपके यहाँ पे सभी सेटिंग हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे मोर पर क्लिक करके इस सेटिंग को यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव का ऑप्शन आपके मोबाइल में ऊपर तरफ भी हो सकता है, सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको उस सेटिंग को वहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, तो जो अभी हमने यहाँ पे APN क्रिएट किया तो आपको उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना है, तो आपका ये APN यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस APN को करने के बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल को यहाँ पे रिबूट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल को रिबूट कर लिया। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ सर्च करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे फेसबुक की साइट ओपन करके दिखा दे, यहाँ पे हमारा इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने यहाँ पे सेकंडों में ही फेसबुक की साइट को ओपन कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंटरनेट प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग गया है। मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब भी ओपन करके दिखा देता हूँ, कहीं आपको ये ना लगे ये कोई फेक वीडियो है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट भी पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन बाई
चांस अगर आपके मोबाइल में ये एपीएन सेटिंग वर्क ना करे तो इसके लिए भी मैंने एक दूसरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको दूसरे एपीएन सेटिंग के बारे में बताया। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस एपीएन सेटिंग को यूज़ करके अपने इंटरनेट को फास्ट कर सकते हो। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।